और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ 6 रुपए के पैनी स्टॉक के बारे में। एक फार्मा का पैनी स्टॉक है और बोल देना चाहता हूँ इस कंपनी के बारे में। ऑलरेडी ये कंपनी हमने आपको 2 रुपये 3 रुपये क्या सजेस्ट करी थी। 3 रुपये स्टॉक ने 9 रुपये का हाई लगाया था और 9 रुपये का हाई लगाने के बाद स्टॉक अब 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बोल देना चाहता हूँ कंपनी का जो बिजनेस है मॉडल, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम काजी करती है। 32 करोड़ का करंट टीटीएम कंपनी अब तक दे चुकी है, राइट। और ये स्टॉक अभी 6 रुपए का ट्रेड कर रहा है। चार्ट पे कुछ संकेत दिख रहे हैं कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट होने वाला है, तो क्या स्टॉक में पैसा लगाना सही रहेगा, जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने लगातार इस स्टॉक के बारे में पूछते रहते हैं और मैंने भी बहुत बार इसके ऊपर टॉपिक मतलब वीडियोज बनाए हैं, कवर किए कि क्या आप स्टॉक में कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अभी आपको मैं स्टॉक का नाम दिखाता हूँ और आगे आप स्टॉक में क्या कर सकते हो जानने का प्रयास करते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सर, आप स्टॉक का नाम देख सकते हो, सिमकॉम फॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड। 6 रुपए का स्टॉक है। अगर आप 6 मंथ का चार्ट देखोगे तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9 रुपए का हाई लगाया था और जब स्टॉक आपका 8 रुपए 9 रुपए ट्रेड करा था, मैंने क्लियर कहा था स्टॉक को अभी एकुमुलेट मत करो, मतलब बाय मत करो। स्टॉक को बाय कहाँ करना था, स्टॉक को बाय यहाँ करना था 3 रुपए के आसपास। मैंने आपको सजेस्ट भी किया था, मैंने बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बनाए थे कि 3 रुपये 3 रुपये 50 पैसे के आसपास स्टॉक अच्छा लग रहा है, स्टॉक को बाय करो। मैंने खुद स्टॉक में 3 रुपये के आसपास बाय किया था और स्टॉक में अच्छा खासा गेन करके एग्जिट कर दिया। अब स्टॉक में दोबारा से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो मंथली चार्ट में। अच्छा खासा यहाँ पर एक यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो मुझे कह रहा है कि हाँ, स्टॉक में आप बोल सकते हो कि कुछ बड़ा खिचड़ी पकड़ी है। मैंने आपको शुरू से एक बात बोली है कि सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट आ रहे हैं। आपको मैं कंपनी के प्रॉफिट दिखाता हूँ, उसके बेसिस में आप खुद तय करना कि स्टॉक अच्छा है बेकार है। देखो आपके सामने 480 करोड़ का क्या है मार्केट कैप है और 6 रुपये का ट्रेड करा, 9 रुपये 56 पैसे का हाई है, 1 रुपये का लो है। नीचे लेके चलता हूँ, आप देखो यहाँ पर कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है। नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ 1 सेकंड। तो दोस्तों आप देख सकते हो जून में 51 करोड़ के आसपास की सेल्स है, राइट। अगर बात करता हूँ प्रॉफिट की तो देखो दोस्तों, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले 6.5 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट था। बात करते हैं ईयरली बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस, सेल्स देखो तो 67 करोड़ की है। प्रॉफिट की बात करते देखो 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट और लास्ट ईयर 29 करोड़ था। तो देख सकते हो कंपनी के जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर तो गया लेकिन नीचे गिरा। ये नीचे गिरा तो उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। मानो ये 3 रुपये का प्राइस था, ये 9 रुपये का प्राइस था, तो स्टॉक ऊपर गया, 6 रुपये में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक को बाय का करना है, उसका तरीका बताओ। वो तरीका बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक का नाम आपने देख लिया, सिमकॉम फॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड है। नीचे लेके चलता हूँ, बैलेंस शीट देखो, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। डेट कंपनी ने अभी बढ़ाया, क्यों? एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ना कंपनी भी बढ़ना चाहती है आगे, इसलिए डेट लिया होगा, ठीक है। कैश फ्लो देख सकते हो नेगेटिव है। एंड देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो, पहले 38-39% थी, आज 41% हो चुकी है। 58% के आस पब्लिक का पैसा लगा है, इतना आपको समझ आता है। मतलब यहाँ पर 10 में से ऑलमोस्ट 7 अंक मैं दे सकता हूँ ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से कि हाँ, कंपनी फाइनेंशियली काफी साउंड है, काफी अच्छी लग रही है। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक में हम कैसा कामकाज कर सकते हैं। पहले आप देखो कि आज कैसा कामकाज हुआ है, 79% के आसपास का माल लोग घर लेके गए। ऑलमोस्ट देखो 29 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और 23 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, मतलब लगातार लोग स्टॉक में बाय कर रहे हैं और घर लेके जा रहे हैं। अब आता है कि स्टॉक को कहाँ बाय करना, कहाँ एक्युमुलेट कर सकते हो, कहाँ सबसे अच्छी अच्छी बाइंग बन सकती है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो देखता हूँ चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों आप देख सकते हो सिमकॉम फॉर्मेशन इंडिया का मैंने चार्ट खोला हुआ है, काफी अच्छा पंप आया नीचे आया। एंड दोस्तों आप देख सकते हो ये स्टॉक जब यहाँ ट्रेड कर रहा था तो मैंने बहुत क्लियर कहा था कि स्टॉक को बाय मत करो, ये स्टॉक नीचे गिरेगा तब आप स्टॉक को बाय करो, नीचे गिरने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब स्टॉक को बाय करना। दोस्तों देखो मैंने आपको रिकमेंड क्यों किया था कि स्टॉक को बाय नहीं करना जब यहाँ ट्रेड कर रहा था, उसका रीजन दोस्तों ये निकल के आता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज अप्लाई करा हुआ जिसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। आप सेटिंग देख लीजिए, जो पीरियड रहेगा 10 का रहेगा, क्लोज सिंपल डन, तो ये मैंने अप्लाई करा हुआ स्टॉक के चार्ट में और इसके वजह से मैंने आपको बोला था कि स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है क्योंकि स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी थी, इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दी थी। और जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है आपको स्टॉक को बेचना होता है ना कि बाय करना होता है। देख सकते हो यहाँ से क्लोजिंग करी थी और यही वो रीजन बना जब मैंने आपको बोला था कि स्टॉक को बाय मत करो, मौका मिलेगा आपको मिलेगा। और देखो ये लगातार रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ स्टॉक ने दोबारा क्लोजिंग कर दी है मूविंग एवरेज के ऊपर। क्या बोला इसने, यहाँ पर दोबारा क्लोजिंग कर दी है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो चाहो तो कल अगर आप चाहो तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, लेकिन बाय कहाँ करना है मैं आपको बता दूं, बाय आपको यहाँ करना है स्टॉक के टॉप हाई में, जो स्टॉक का डे हाई आज बनाया, डे हाई 6 रुपए 7 पैसे, इसके ऊपर बाय करना। और दोस्तों बोल देना चाहता हूँ प्लीज दोस्तों,
अपनी खुद की रिसर्च ऐड कर लेना। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं आई एम ओके विद इट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना रिस्क लेता हूँ इस स्टॉक में। मेरा मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं कभी भी अंधविश्वास करके किसी को, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करके किसी के कहने पे पैसे नहीं लगाता हूँ। मैं भी अगर किसी के वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब में, मैं भी फॉलो करता हूँ बहुत लोगों को, ठीक है। मैं ट्विटर में फॉलो करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम में लोगों को फॉलो करता हूँ, उनके में जो टिप्स होती है स्टॉक चार्ट और शेयर करते हैं, मैं खुद उनको रीड करता हूँ और जानने का देखने का प्रयास करता हूँ कि वहाँ मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उनका मानना है कि अगर मान लो कि नॉकी डॉट कॉम ऊपर जा रहा है, ठीक है, 2,000 का टारगेट दिखाएगा, 8,000 का टारगेट दिखाएगा नॉकी डॉट कॉम, तो उनका मैं लेता हूँ, ठीक है। हाँ भाई चलो, उन्होंने बोला है, बड़े व्यक्ति ने बोला है। देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी रिसर्च में ऐड करता हूँ। अगर मेरी रिसर्च और उनकी थिंकिंग मैच हो रही है तो भाई डेफिनेटली आई विल बाय। अगर नहीं हो रही तो मैं फिर उसको ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व मतलब देखता हूँ कि स्टॉक में क्या हुआ। तो आपको भी यही करना है, कभी दूसरों के कहने पर बाय मत करो। जैसे एक कॉमेंट मैंने पढ़ा, सर आपने ट्राइडेंट ना 25 में मेरे से बाय करवा दिया। भाई मैंने कुछ नहीं बाय करवाया, मैंने ट्राइडेंट आपको 13, 14, 15, 16 रुपए के लेवल से बताया था। अब मेरी गलती नहीं है कि आप 25 रुपए के लेवल से बाय कर रहे हो, वो आपका, देखो आप कैसे इसको अपना रिस्क मैनेज कर सकती हो। मैंने आपको तरीका बता रखा कि आप ये कर सकते हो, ये स्टॉक लॉस है, अब रिस्क आपको मैनेज करना है, ठीक है। ये स्टॉक है, यहाँ अगर आप बाय करते हो 6 रुपए 38, 6 रुपए 40 पैसे के ऊपर, तो ये आपका रिस्क है बस, छोटा सा 5 रुपए 70 पैसे का। अब आपको जो रिस्क बताया है उसको आपको अप्लाई करना है स्टॉक मार्केट में। भैया यहाँ 100% कोई करेक्ट नहीं होता। आपको अगर 10 ट्रेड लिए तो 7 बार आप फेल हो गए या 6 बार पास हो गए, 4 बार फेल होने वाले हो, ये आप दिमाग में रख लो। अगर आपको लग रहा है कि भैया स्टॉक मार्केट में आप रोज पास होने वाली हो, आपने जो ट्रेड लिया वो ऊपर जाएगा, भूल जाओ भैया, आप गलत गलत फहमी के शिकार हो चुके हो। आप पता नहीं कौन सा नशा करते हो, उस नशा को तो छोड़ के आप इसके नशे को पालना सीखो, जो नशा है टेक्निकल एनालिसिस का माध्यम, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करो प्लस टेक्निकल एनालिसिस उसमें ऐड करो। टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि स्टॉक को कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो मैं देखो भाई बता रहा हूँ आपको, मैं भी खुद अगर स्टॉक को बाय करूंगा तो इसके ऊपर बाय करूंगा। बाय जो बनता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बाय 6 रुपए 40 के ऊपर या 45 लगा लो मोटा मोटी बाय प्राइस, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस है, देखो स्टॉप लॉस होगा ये 5 रुपए 70 पैसे का क्लोजिंग बेसिस में, मात्र 1 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस है। टारगेट सुन लो, टारगेट कम से कम मुझे लगता है पर्सनली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्टॉक आपको आराम से यहाँ के टारगेट दिखाएगा। इसको मैं अपलोड भी करूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, ठीक है। ये आपको टारगेट दिखाएगा कम से कम, ये पहला तो ये टारगेट होगा 7 रुपए 70 पैसे, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट रहेगा फाइनल टारगेट है 8 रुपए 58 पैसे। अब मर्जी आपकी, आपको कहाँ टारगेट बुक करना है, ठीक है। मेरा जो टारगेट है ये टारगेट 1 है, 7 रुपए 70 पैसे टारगेट 1 है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोग प्रॉफिट बुक कहाँ करोगे, मैं कहाँ प्रॉफिट बुक करूंगा मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मार्केट की कंडीशन सही रहेगी तो मैं डेफिनेटली 8 रुपए 58 पैसे में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, लेकिन देखते हैं मार्केट की कंडीशन कैसे रहती है, राइट। तो ये आपका निकल के आता है गेम प्लान इसका, सिंकम फॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये डेफिनेटली मैं जो चार्ट पैटर्न है ये आपको इंस्टाग्राम में मैसेज करने वाला हूँ, तो वहाँ एक बार चेकआउट कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, तो ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे डेफिनेटली फॉलो करो, ठीक है। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।